शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम टू गोवा रेडियो 96.7। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आरजे पीटर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक अद्भुत कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से शुरू हो रहा है ऑफ सीजन का मतलब है कि टूरिस्ट यहाँ आराम करने ज्यादा और पार्टी करने कम आते हैं, पर एक जगह है जहाँ पार्टी कभी वो है गोवा रेडियो 96.7 FM। तुम स्विमिंग क्यों नहीं करते हो? शुरू करूंगा। तुम इतना उदास क्यों रहते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे पता है, आई नो तुम शैक के लोन की वजह से परेशान हो, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहाँ कुछ करता हूँ, सब कुछ तो तुम ही करते हो। अच्छा, वो मेरा फ्रेंड है ना जूबी, उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं जर्मनी से, उन्हें इंडियन कल्चर पे कोई स्टोरी चाहिए। तुम अपने दोस्त जिगर वाली स्टोरी उन्हें क्यों नहीं सुना देते? यू नेवर नो, उन्हें अच्छी लगे। तुम पागल हो? अरे ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो? जीत, हम लोग जमीन में बीज बोते हैं, जरूरी तो नहीं कि हर बीज पौधा बने। मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तुम आ रहे हो? चलो मैं आता हूँ। कल भी हेयरकट नहीं कराया ना? जाता हूँ आज। I'll be waiting। पिछले 2 साल से निधि को ये कहानी बार बार इसलिए सुनाता था कि शायद वो जीत यानी जिगर असल में दोनों मैं ही हूँ। उन दिनों में मैंने अपना नाम जिगर रख लिया था। सोचता था शायद जिगर के लिए निधि का गुस्सा वक्त के साथ ठंडा हो जाए। वो तो नहीं हुआ, लेकिन वो हादसे उसके लिए एक मज़ेदार कहानी ज़रूर बन गए थे। दिल्ली से 47 किलोमीटर पर सटा हुआ ये गांव, जिसकी ज़मीन का रेट आसमान छू रहा था, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के रेस्टोरेंट्स की चेन जगह जगह हाईवेज पे अपनी फ्रेंचाइजी खोल रही थी। उसी किसी हाईवे पे जिगर के पिता एक ढाबा कुछ सालों पहले चलाते थे, जिसको कई सालों से गाँव के लोकल माफिया अतीक ने मुकदमे में अटका रखा हुआ था। अपने पिता की बीमारी के बाद जिगर उस केस को फॉलो कर रहा था। ढाबा और उसके साथ की ज़मीन करोड़ों रुपए की थी। उसने 2 स्मॉल टाइम क्रिमिनल लाला और विक्की को अपनी सपोर्ट में वहाँ रखा हुआ था, जो हथियार और चरस बेचकर अपना खर्चा चलाते थे। उन्हीं का एक साथी लल्लन उन लोगों के लिए हथियार बनाता था। अरे लल्लन, कहाँ से आ रहा है भाई? ले ले कुत्ते। अरे डॉक्टर ने कौन सी दवा पिला दी है, तू तो एकदम लाल हो रहा है। हा? टीबी के लक्षण बताए डॉक्टर ने। लल्लन। हाँ विक्की। यार एक बात बता, जो तेरी उम्र जल्दी जल्दी बढ़ रही है या तेरी बीवी की उम्र रुक गई है? लल्लन चाय पिएगा? दम मारूंगा मैं। त
तुम बताओ हमारी उम्र कितनी है? होगी 70 साल। 40 है भाई साहब, चरस बॉडी को जला देता है। तेरे अंडे उबल रहे हैं, जल जाएंगे। जा। एक नंबर का दाना आया है, फंसवाओगे तुम? अरे मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। ठीक है, लेके आ जा। पास के गांव में फिरकनी आई है, चलते हैं। ए भैया चलो ना। इससे बात कर क्या बोल रहे हैं? एक नंबर की नचनी आई भाई साहब, मजा आ जाए। कभी दिल में उतर के नहीं देखा, सदी के मुस्कुराते समंदर नहीं देखा, और मुझे पत्थर समझते हैं, मुझे पत्थर समझते हैं मेरे चढ़ने वाले। अरे मैं तो मोम की हूँ, किसी ने छू कर नहीं देते। लाला, अरे जिगर भाई, होया है दिल्ली? अरे भाभी बच्चे दिल्ली में है क्या? अरे भाभी बच्चे नहीं है, कोई और है। चलो बंद मस्ती करेंगे। अरे क्यों नहीं यार? अरे वो तो नशा करके पड़ा हुआ है यार। थोड़ा सा एक कर दई बिला भुन सारे सरे, एक नंबर का आ रहा है। मचल रही लल्लन ने नशे के चक्कर में सब कुछ बेच दिया है, जरा संभाल नहीं तेरा घर ना बेच दे। जी जी, उसका बसिल तो मुझे भी बेच दे, पता ही नहीं किस्मत कहाँ लेके जाएगी। भैया टेप है क्या? तो गाड़ी तो तेज चलाओ ना। बनाए हम किसे अपना, कोई काबिल नहीं मिलता। कहाँ गए? चाचा जाते वहीं पे हैं। बह गए दूर हम। अरे भाई गाड़ी तेज चलाना, गाड़ी चला रही है, बैल गाड़ी चला रही है, मेरी पूरी सब्जी सड़ा दी। मैं भी यार कौन सी गाड़ी में बैठ गया यार। अबे चींटियों के खानदान का है क्या तू? पैदल चलता तो भी तुझसे जल्दी पहुंच जाता। अबे आप कहाँ चला गया ये? पेशाब करने तो नहीं गया? हाँ पता नहीं क्या चाह रही है ये तो।
ओए सब्जी क्यों फेंक दी? ओए पागल हो गया क्या? अरे मेरी सब्जी क्यों फेंक दी तूने? चल बाहर आ, बाहर आ ना। क्या हो गया? अरे देख लूंगा साले तुझे। कौन है ये? कौन है? इससे पूछो कौन है। वो मुर्गा लेके आता है, चलो निकलो। रोज आता है ये? पागल वागल हो गया क्या? सजी ले अंदर। हाँ है। अबे अगर साले गांव वालों को पता चल गया यहाँ क्या क्या होता है, पूरे गांव में भड़वा बन के मशहूर हो जाऊंगा। पागल चलो जाओ यहां से। यार ये सर्जिल आया हुआ है, ये कुछ फुकरा उकरा लगाता है नहीं? मरने दे बेंच। अतीक का बेटा शर्जिल कमाल का हवस में डूबा हुआ इंसान था। इत्तफाक से उन्हें गांव में एक लोकल प्रोस्टिट्यूट मिल गई, जिसको उन्होंने शर्जिल को सप्लाई करना शुरू कर दिया। क्या हुआ जगर भाई, कुछ टेंशन में हो? शर्जिल यार तो कितने दिन से बोल रहा है कि अतीक भाई से बात करेगा, अतीक भाई से बात करेगा। बात करके इस मैटर को ख़त्म करवाना है यार। देख यार हमारे फादर के टाइम से ये मुकदमा चल रहा है, कब से यार ये खंडर बना पड़ा हुआ है। थोड़ा ठीक करवा लेंगे, इसकी मरम्मत करवा लेंगे। और अगर तुम्हारे बाप को ये लग रहा है कि इस जगह पे कब्ज़ा करने के इतना आसान नहीं है, साला मनोरंजन के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में भाई, समझना इस बात को। यार मैं करता हूँ ना यार, मैं करूँगा उनसे बात। यार टेंशन क्यों ले रहा है? बातें ही बातें हैं। नहीं नहीं तुम्हारे सामने लगाता हूँ, देखो। अच्छा रखो यार फ़ोन रख यार, सीरियल से उनसे बात कर ले। नहीं मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं हूँ ना, बस भरोसा है ना मुझ पर। वैसे माल अच्छा था। ठीक है निकलता हूँ मैं, कुछ रहा करो यार। तू इसे भी इस धंधे में? स्कूल आ गया? आ जा। अरे कहाँ जा रहा? अरे बाबा कपड़े रोज पहना दो, स्कूल भेजते ना। अरे पढ़ लिख के कौन कलेक्टर बन गया बेटा? अरे जो 200 सालों से बाबा बैठे हैं इनसे पूछ ले। बाबा बना कोई? चल भाग। अरे नदिया पे नदिया पे।
बाबा मोटरसाइकिल। उतर उतर, अरे उतर बे, जल्दी उतर जा। सर जी पजामे में खड़े होकर कोई पेशाब कर सके क्या? पूछ रहा है, बता रहा है। बता रहा हूँ। अरे हाँ भाई, बड़ी जोर से लग रही है। अरे बहुत जोर से आ रही थी साहब। क्यों भाई, पजामे में खड़े होकर कोई पेशाब कर सके है? साहब इसमें चेन है। अब पजामे में कोई चेन होती है क्या? अरे साहब गन, अबे साला गन, ये जा रहा है साहब। आप छोड़ दो साले, रुक, एक को तो मैंने पकड़ दिया। कहाँ जा रहा है भाग के तू? छोड़ दो मत आप। चल चल बैठ। जी सर। गन उठाई क्या? जी सर अभी लाया। अरे जल्दी कर। अरे आया सब। कुत्रे के पैर में गोली मार रहा था, अटक के गिर गया, साले के सर में लग गई। प्रेस वाले को समझा दियो, मैं बता दूंगा क्या बोल रहा उन्हें। लल्लन जैसे आदमियों के लिए औरतें करवा चौथ का व्रत कम ही रखती हैं। अवनी की जिंदगी तो बस मिंटू के चारों तरफ ही घूमती थी। साहब बुलाना है, चलो। बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, जाओ। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? हथियारों की तस्करी करता था तेरा पति, साथ में तेरा बेटा भी शामिल था उसमें। अब तेरे बेटे और समाज के लिए यही बेहतर होगा कि उसको हम बाल सुधार केंद्र भेज दें। 8-10 साल में बाहर आ जाएगा एक अच्छा इंसान बनकर। नहीं नहीं साहब। मैं समझता हूँ माँ के दर्द को। वैसे बहुत माल बनाया है लल्लन ने। जा जाके 1 लाख रुपए लेकर आ जा। छोड़ दूंगा उसको। मिंटू। हाँ डार्लिंग। हाँ हाँ जाओ, बच्चे को छोड़ के जाना। हाँ हाँ डार्लिंग। हाँ हाँ जी जी। हाँ आ जाऊंगा ना, चलो जाओ जाओ। हाँ हाँ जी जरूर लाऊंगा। एक लाख रुपए? अरे सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबे हुए हम लोग। घर के कागज? तेरे घर के कागज मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं लल्लन ने। उसने नहीं बताया तुझे? देख मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, किसी और से बात करके देख ले। क्या करें? बैठो जरा, बैठो तुम। पैसे का इंतजाम तो मैं कर रहा हूँ, इतने पैसे तुम आसानी से वापस तो नहीं कर पाओगे। तेरा घर मुझे बेचना पड़ेगा, अभी नहीं बेच रहा हूँ मैं फिलहाल, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका करूँगा। मुझे पैसे तो अपने रिकवर करने ही है ना, तो एक काम कर, मिंटू को लेके ना इधर ही आकर रहने लग, खाने वाने का काम देख लेना। और देख वैसे भी लल्लन की जो परेशानी है ना वो तुम लोगों पर वापस आ सकती है। हम ढाबे पे जा रहे हैं ना। कौन है? शंकर है, ड्राइवर है, लाला के गांव का है, दोस्त है उसका, कभी कभी आता है गांजा वांजा खरीदने। अरे नहीं जिगर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, भला आदमी है।
अरे हाथ जला लिया। अरे ध्यान कर रहता तेरा। नहीं नहीं ठीक है। हाथ जला लिया है? दवा ला लो। चला बन जा। राधा चल गया। लाला कौन है ये? ललन का बेटा है ये। अरे आजकल बेचारे माँ बेटे यहीं रह रहे हैं। ये तो बड़ा प्यारा है यार। स्कूल जाता है? कौन सी क्लास में है? फर्स्ट 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 वन 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 फर्स्ट फर्स्ट। अरे वाह। पोएम कौन सी आती है? पोएम इंग्लिश में नहीं आती, हिंदी में आती है। सुना दूं? हिंदी में आती है? गैया पाली। हाँ? सीधी साधी भोली भाली, सुंदर सुंदर सिंहों वाली। हाँ? उसे खिलाती चापड़, चापड़ खिला के दूध की पाता ला ला ला। मिंटू आजा बेटा, चल सोने चल। चल जा बेटा, बिक्की टीवी देख रहा है, तू भी जा जा। अम्मा पापू कब आएंगे? नाम क्या है इसका? मिंटू है। मिंटू नशा कम करा कर थोड़ा। पैर के नीचे चीटी आ जाए तो क्या जिंदगी भर पैर को कोसता रहेगा? चीटी नहीं थी लाला, वो चीटी नहीं थी। चला लिया, दवा लगा लो। चला बन जा। हाँ शजल। हाँ जिगर भाई, इंतजाम करके रखो, आ जा रहा हूँ। हो जाएगा इंतजाम, हो जाएगा। और तू पैसे समीर से ले यार। जी, ठीक ठीक आ रहा हूँ मैं। आ जा आ जा। हाँ ठीक है। यार मुझे एक बात बताओ, ये खान साहब खाता क्या है? हर रोज आइटम लगती है, कितनी आग मुत्ता है यार। मैं तो एकदम स्पीड में स्कूटर चला के आ रहा था मैडम, बस रास्ते में। अरे साला बकई किसी के साथ नहीं मिल रही है। अरे सब जगह ढूंढ यार। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ जाओ। क्या वो नहीं मिली यार? भाग गई वो तो। अरे अरे यार, इसको कौन संभालेगा? सुबह से फ़ोन कर रहा है मुझे। दादा यार तुम एक काम करो, तुम उसे संभाल लेना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे कहाँ फंसा रहा है यार मुझे उसके चक्कर में। और जिगर भाई क्या ज़रूरत पड़ गई थी लाख रुपए की? अरे यार वो अपना कहा पूछ, वो है ना कहा पूछ, भाग गए हो। पूछो पूछो, भाग गई भाग गई। अरे भाग गई, अरे ऐसे कैसे भाग गई? अवैध जी, अरे अवैध जी गोली खा ली, इंतजाम है नहीं खसाब ने। अबे इसे क्या हो गया, ये क्यों संडिया रहा है? अरे गोली खाइए, इंतजाम है नहीं। जिगर भाई रात भरे मजे लिए, बताता हूँ तुम्हें मैं। अरे यार तुम इन लोगों को इतना झेलते कैसे हो? अरे यार पूरी जमीन मुकदमे में, उसके बाप की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है, मानेगा अतीक? अरे हो सकता है शर्जिल मना ले, और क्या करें? तुम बोलो ना यार। क्या बोलूं यार, क्या? अरे कोशिश करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। एक बार आजमा के तो देखो। एक बार समझ लें,
अगर किसी को मार दिया तो मर गए तो मर गए। तुम्हारी ये अकल की बात है तुम्हारे ही पास रखो यार। अरे कौन समझाए इसे यार। जिगर भाई पैसे को लेके बहुत परेशानी आ रही है, टके टके पे नशा बिक रहा है, राशन की दुकानों से ज्यादा नशे की दुकानें हैं। हथियारों का भी यही हाल है यार, लोहे लक्कड़ के भाव बिक रहा है। ठीक है दिल्ली जाके आता हूँ। भैया बाबा की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनमें जीने की इच्छा ही नहीं रही। भैया चाय। भैया अतीक की फैमिली बहुत खतरनाक है, आपके जान को खतरा है। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ वहां आ सकता हूँ। नहीं मोहित, तुम्हारे लिए यहाँ बाबा के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। संभाल लूंगा मैं उनको। वैसे भी बाबा की खुशी जो है ना वो उस ढाबे से है। जब तक बाबा को वो ढाबा वापस नहीं मिलेगा मुझे नहीं लगता बाबा वापस होश में आ सकते हैं। अरे शंकर क्या हाल है भाई। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आ गया मिंटू, क्या खाएगा बता। ये खाएगा ये? अरे रहने दे शंकर। अरे नहीं नहीं कैसे रहने दे, खाएगा ये ले ये। आजकल कहाँ रहते हो शंकर? दिल्ली बहुत जाना लग रहा है आजकल। मैं भी जाऊंगा दिल्ली। अच्छा ले दिल्ली लेके चलूंगा, पहले बिस्किट खा ले ये ले। मैं खिला दूं ले खाना ले। दिल्ली के बहुत चक्कर लगा रहा है यार, क्या बात है। दिल्ली चलेगा तू? दिल्ली चलेगा, लेके चलूंगा। तू बिस्किट खा, बहुत कमजोर हो रहा तू, चल खा मुंह खोल। आहा मेरे बेटा। वाले दोनों को पकड़ के ले गए। पता चला नारकोटिक्स वाले थे। जिगर के लिए हैरत की बात ये थी कि इतने स्मॉल टाइम चरस बेचने वालों के लिए नारकोटिक्स वाले इतने परेशान क्यों होंगे। नारकोटिक्स का नाम सुनकर सब लोग थोड़ा डरे हुए थे। जिगर को अंदाजा हो गया था कि इन लोगों को छुड़वाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, जिसकी कमी सबसे ज्यादा जिगर के पास थी। नार्कोटिक्स है कोई ऐसी खेल है क्या? जानते हो नार्कोटिक्स क्या होता है? अरे गांजा था यार। गांजा भी नार्कोटिक्स में आता है। अच्छा। पैसा है, पैसा लगेगा। भाई बड़ी कुत्ते हैं, बिना पैसे लिए ना छोड़ेंगे। चल,
भाई मम्मी इकली है घर पे, फोन आया था, जाऊं मैं? हाँ चल ठीक है, सो जल्दी आ जाना। जी भाई ठीक है। क्या हुआ उन दोनों का? बहुत मोटा पैसा मांग रहे हैं, तुम्हें तो मालूम है यहाँ के हालात। कोई तो रास्ता होगा ना? किसी की नहीं सुनते ये लोग। बात की मैंने कुछ लोगों से, लेकिन कोई बीच में आने को तैयार ही नहीं है। देखो मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा। तुम मिंटू को लेके दिल्ली चले जाओ। मैं अकेली रास्ता पार नहीं कर पाती, मैं कहाँ जाऊंगी? अवनी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा घर है मैं उसे बेच रहा हूं। पुलिस ने कुछ भी किया वो लोग 10-10 साल के लिए अंदर जाने वाले हैं। कोई तो रास्ता होगा ना? देखो अवनी जिंदगी तुम्हारी है, अगर तुम चाहती हो कि ये ढाबा बचे, ये सब लोग वापस आ जाएं, तो एक रास्ता है तुम्हारे पास। शर्जिल ललन की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी। जीते जी उसने कभी अपने बीवी बच्चों को पलट कर नहीं देखा, अब मरने के बाद उसकी आत्मा को तकलीफ होगी। बहुत गिरा हुआ आदमी था, अरे अपने बच्चे से धंधा करवाता था, आत्मा थी उसमें। अरे छोड़ो जिगर भाई, मरे हुए को क्या बुरा बोले। शर जला रहा है रात को, जाओ अम्मी को बता दो। धातु रोगी शीघ्र पतन, नामर्दगी का सफल इलाज करवाएं डॉक्टर रोगी से। कहाँ गई है बेटे? आ जाएगी, सो जा। जिगर ने अवनी को प्रोस्टिट्यूट बना दिया और उसके बच्चे मिंटू को क्या बना दिया यू नो? रिशन नीति का भी बहुत अच्छा है, तुम इसी से सुन लो। ओह गॉड आई एम सो सॉरी, मैं जब भी जिगर का नाम सुनती हूँ मुझे कुछ हो जाता है। थैंक गॉड मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जिगर ने उन हालात में जो कुछ भी किया ठीक किया, जो उसे ठीक लगा वो किया, क्या गलत किया उसने? ओह रियली यू मीन अगर हालात खराब हैं तो किसी भी शरीफ लड़की को कोठे पे बिठा दो, एक मासूम बच्चे को। ओह गॉड निधि यार जाना तू यहां से। शहजाद अतीक का भाई, अब उसने भी ढाबे वाली जमीन में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। क्या चल रहा है ये सब? सर मैंने कुछ नहीं, वो शर्जिल भाई। अरे वो शर्जिल बड़ा बेवकूफ, वो कुछ भी कहेगा तुम करोगे? ये पैसा गया कहाँ? हाँ
सरजल भाई ने कहा था कि वो पैसों की जरूरत थी। अरे 12 लाख रुपए और ये 50 हजार वैद को? आज के जमाने में 50 हजार वैद को कौन देता है? हाँ, कौन कराता है वैद से इलाज? हाँ, बाकी के पैसे कहाँ हैं? हाँ, ये बहुत जल्दी अमीर बनना है। हाँ, अरे खून पसीना बहा के खड़ा किया है मैंने, सब खत्म नहीं होने दूंगा ऐसे। क्या बात है, पूरी बात बता मेरे को, क्या चल रहा है ये सब? शहजाद भाई, सरजल भाई ने पहले नारकोटिक्स वालों को पैसे दिलवाकर ढाबे वालों को फंसवाया और फिर उन्हीं को पैसे देकर वापस छुड़वाया भी, और ये सारे काम वो ऑफिसर शैलेंद्र के साथ करते हैं। पूरे प्रशासन की नजर है तुम पर। आप देखिए, संभाल लीजिए इस बार भी। पूरे फुलकट हो गए हो तुम लोग, माल वाल तुम्हारे पास कुछ है नहीं। खैर छोड़ो, सुना है ललन की लुगाई बड़ी जोर की है, खान साहब बता रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। वैसे खान साहब के पेट में कोई बात पचती नहीं है, बड़े कमजोर हैं जुबान के और उसके। रात को आता हूं। अवनी ने नशा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अवनी जैसी औरत के लिए ये सब होश में रहकर करना मुमकिन नहीं था। अम्मा कहाँ है? लाला। अम्मा के पास। चल मिंटू। जा अम्मा के पास। उठना। तू जा यहाँ से। अम्मा। अरे लाला हटाओ ना इसको यार। और विक्की यार क्यों टीवी देखता है तू मिंटू के साथ पूरी पूरी रात? अरे उसको टाइम से सुलाया करो, टाइम से जगाया कर यार। अरे नहीं, उसका बाबा भी जिंदा यार, हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। मामला उलझता ही चला जा रहा है। जिगर भाई, एक बुरी खबर है। बदबू कैसी आ रही है साले, मूत के लाया क्या? इलेक्शन आ रहा है, चेकिंग बहुत टाइट चल रही है। अपने आदमियों से कह दो अभी कुछ दिन के लिए धंधा बंद कर दें। वैसे भी ये तुम्हारे आदमी साले शक्ल से ही तड़ी पार लगते हैं। पानी और लाऊं? बस रहने दे। और हाँ भाई साहब, इलाके में नया एसपी आ रहा है, बहुत शौकीन है, उसको खुश कर देना, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलता हूँ। हालात ने जिगर को इतना मजबूर कर दिया कि उसे मिंटू जैसे मासूम बच्चे से भी हथियार और चरस बेचने का काम करवाना पड़ा। यार जिगर भाई, ये कौन सी जिंदगी जी रहे हैं यार?
दरिया में उम्मीदों के सहारे नहीं मिले आंसुओं को अब कोई किनारे क्यों डूबे दरिया में उम्मीदों के सहारे नहीं मिले आंसुओं को अब कोई किनारे कैसे भले थे हम नींदों में चले थे हम कागज के पंख लगा के हवा में उड़े थे हम मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला कैसी तेरी रजा लगता है तू खफा तेरे सिवा कोई ना मेरा खुदा मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मिंटू ये देख तेरे लिए क्या लाया बोल चलो अम्मा वहां रहती है अच्छा तू कहाँ सोता है इसकी चाचा के पास मुझे ना सुलाती हूँ अपने पास अरे शंकर आजकल दिन में भी जरूरत पड़ गई क्या नशे वैसे की अरे मिंटू से मिलने आया था बड़ा प्यारा बच्चा है मगर साली किस्मत लाला इसकी माँ यार कुछ बोला क्या इसने नहीं क्या बताएं स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं पर जाता ही नहीं है माँ से बात करने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा बंद कर लेती है यार मैं इसकी माँ से बात करूं सिर्फ पावरफुल लोग जाते हैं जिनको मना करने का हम में दम नहीं है लाला अरे नहीं नहीं क्या कर रहे हो यार क्या रख लो यार रख लो समझो ना यार थोड़ी जरूरतें और थोड़े डर ने लाला को मजबूर कर दिया था शंकर की मदद करने के लिए और दिवाली तो लाला के बच्चों के गांव में भी आने वाली थी ठीक है शुक्रवार के दिन शाम को आ जाना शहजाद मैं पार्लर जा रही हूँ एक घंटे में मुझे पिकअप करने आ जाना अरे अब्बू तो हमारे सीधे आदमी हैं वो चाचा लगे नई चाची को पुराना करने में और तुम ढाबे का काम तो शुरू करवाओ अगले हफ्ते से मैं संभालूंगा वो मुझे पता ही है रायता साला शेलन ने फैलाया पूरा ठीक है अरे जा यार जाओ संभाल लूंगा मैं सब ढाबे वाला संभाल लूंगा मैं दो बीवियों को तो संभाल नहीं पाए ढाबे वालों को क्या संभाल लोगे अरे चाचा बताए नहीं ने चाची को कौन से नंबर की है ये इसके मुंह मत लगो चलो चलो
मैं मौतुगा साले को। चलो चलो तुम चलो। नहीं रहना है सिद्धार्थ के साथ। हाँ हाथ उठाता है। इसे करो सबके। अब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब बहुत हो गया। क्या कोशिश कर रहे हो? जो वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। एक साल हो गया, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पता। बस हर फ्राइडे को मुझसे मिलने चले आते हो। जीत, ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम मुझे लेने ही जा सकते? एटलीस्ट मुझे दिखाओ तो सही। ठीक है, नेक्स्ट वीक में तुम्हें वहां लेकर जाता हूँ। ओके। एक साल से तुम्हारा नेक्स्ट वीक नहीं आया है। अगले हफ्ते गोवा जा रही हूँ शैक के लिए जगह देखने। मुझे मालूम है तुम तो आओगे नहीं। जिगर हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड और फादर से मिलने के लिए दिल्ली आता था। बेचारी पूरी कंफ्यूज थी जिगर को लेकर। नहीं नहीं, मैं यहां मिंटू के लिए आया हूं, उसके बारे में बात करने के लिए। मिंटू देखा नहीं कई दिन से। बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ वो तो है। क्या तुम्हें लगता है ये सब लोग उसका ख्याल रखते हैं? सब बहुत ख्याल रखते हैं उसका। ऐसा तुम सोचती हो? ये माहौल मिंटू को बिगाड़ रहा है, और ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये सब बेकार है। इससे कभी किसी का भला नहीं हो, और ना ही मिंटू का भला होने वाला है। लेकिन मैं सब कुछ सिर्फ उसी के लिए तो कर रही हूं। तुमको कुछ नहीं पता है उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे रहता है। कोशिश करो उसे यहां से निकालने की। लाला हो क्या रहा है ये? अरे यार वो मिंटू साला, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं यार। अबनी की रेल बना दी तुम लोगों ने। अरे यार वो बच्चे का चक्कर है यार, वो स्कूल। अरे यार छोड़ो यार लाला, यार कहाँ की बातें कर रहे हो तुम। अरे बिक्की जिगर भाई को मत बताना यार। लाला मैं तो मिंटू के लिए कह रहा था, उस बच्चे और उसकी माँ पे क्या बीत रही है ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। उस बच्चे की खुशी के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? देख बहुत बड़ा भरोसा कर रहा हूँ तुझ पे। यार जिगर भाई ये मिंटू जिद कर रहा है दिल्ली जाने का, तभी स्कूल जाऊंगा बोल रहा। मेरे पड़ोस के गांव का है, अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ उसको, भेज देते हैं उसको दिल्ली। आपको क्या लगता है सही है? अरे नंगा भूखा है यार, कहाँ लेके जाएगा, खाने के लाले पड़े हैं उसको। अच्छा रुको, ला चाबी ला, ला दे।
गाड़ी यही रहने दे, बस से निकल जा तू। ये सफर है या इसे मंजिल समझ लूं मैं, ये सफर है या इसे मंजिल समझ लूं मैं, है जिंदगी बेवजह या वजह समझ लूं मैं, है जिंदगी बेवजह या वजह समझ लूं मैं, ये सफर है या इसे मंजिल समझ लूं मैं, राहें ढूंढे ये निगाहें भरी भरी आहें क्यों ना हो पता, उजालों की है ये सजाएं सुनी है फिजाएं क्या मेरी खता, ना है कोई राही मगर ढूंढूं फिर भी सहर कैसा है ये पहर सोनी सोनी डर, थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है आंसुओं से आँखें नम है, आंसुओं से आँखें नम है, थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है आंसुओं से आँखें नम है, आंसुओं से आँखें नम है, इस बेबसी को बताब क्या समझ लूं मैं, इस बेबसी को तू बताब क्या समझ लूं मैं, ऐ जिंदगी बेवजह या वजह समझ लूं मैं, ऐ जिंदगी बेवजह या वजह समझ लो मैं, ये सफर है या इसे मंजिल समझ लो मैं। बहुत प्यारा बच्चा है, तुम पे बहुत हिल गया है, ये साथ होता है, थोड़ा हंस लेता हूं। चाय ले लो भाई, चाय। ऐसा क्या हुआ था शंकर? अपने को एक घंटे में पहुंचना है एयरपोर्ट, ट्रैफिक भी बहुत रहता है, देखते हैं तू कैसा पहुंचाता है। आप चिंता मत करो। अरे शिवम रुक तो, पूरे गांव वाले बता रहे हैं कि शंकर के अलावा कोई ड्राइवर नहीं है जो इतनी तेज गाड़ी चलाए, क्या बात, रोज का काम है साहब। रुक जा शिवम, अरे बहुत हो गया, रुक जा। चल तेरा नंबर बता, हमें तो आए दिन जाना पड़ता है बाहर। 97551 शिवम, 7772 शिवम, क्या बोला जोर से बोल, 97551 मेरा बच्चा।
मुझे 4 साल की सजा हो गई। उसके बाद मैं कई बार गया उसके पास, पतरासी गई है। माफ नहीं किया उसने मुझे। परिवार उजाड़ दिया हंसता खेलता। अरे भाई चलो चलो चलो, बस निकल रही है। अरे चलो जल्दी करो जल्दी करो। या पैसे को लेकर बहुत परेशान है नाना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसका। बहुत जुगाड़ू है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया होगा उसने। इतना लेट आए क्यों ऐसा? रात भर सड़कों पे खड़ा रहता है, उल्टी सीधी चीज लिए, जान को खतरा है इसकी। चली जाओ यहां से, जिंदगी भर तुम्हारा और मिंटू का साथ देने को तैयार हूं अगर तुम मुझे अपने लायक समझो। चलो मिंटू तो खुश हो गया होगा। शंकर ले गाड़ी लेके निकल यहां से। और मिंटू आ गया, आजा आजा। और क्या क्या देखा दिल्ली में, बता बता जल्दी बता। थका हुआ है ये, सोना है। अब इसको क्या हो गया? जिगर भाई ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अबनी के पास कैसे कैसे बेकार लोग आते हैं, बच्चा बेचारा सड़क पर खड़ा रहता है, हम पे भरोसा करके बहुत बुरी फंस गई बेचारी। यार विक्की सही कह रहा है लाला, गिरने की आखिरी हद तक आ गए हम लोग, इससे ज्यादा गिरने की कोई सीमा नहीं होती है। जिगर भाई एक मौका दो, कल के बाद ये सब खत्म कर देंगे। कल सब खत्म कर दूंगा, सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो शहजाद। आदाब भाईजान। हाँ शहजाद बेटा। ढाबे वाले आए हैं बाहर। अच्छा क्यों? शर्जिल की वजह से ना, वो रोज जाता है ढाबे पे उस लड़की के चक्कर में, शराब पीता है, रंडीबाजी करता है, खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया भाईजान। आज गेट के बाहर आके खड़े हुए, कल घर में घुसेंगे, कल हम लोगों पे हाथ उठाएंगे। अरे ऋतिक भाई समझाओ ना उसको। क्या करो बेटा, बुढ़ापे का सहारा है। अरे भाईजान वो बुढ़ापा आने देगा तो सहारा बनेगा ना। अल्लाह की मर्जी। देखो भाईजान अभी बहुत हो गया, आपकी बात वो मानेगा नहीं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहजाद भाई बैठो बैठो। शहजाद ने अपने आवारा भतीजे शर्जिल और ढाबे वालों से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। बोलो शहजाद भाई, वो ढाबे पे काम करवाना था, कंस्ट्रक्शन का बात हुई थी शर्जिल से। अरे उसकी बात पे तुम्हें पता है ना, कोर्ट केस चल रहा है। लेकिन शर्जिल ने तो कहा था कि उसकी अतीक भाई से बात हो गई। शर्जिल को कुछ पता नहीं है, कोर्ट केस में कोई भी जीतेगा तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। पता है ना आपको, अभी वो उसके चक्कर में तुम लोग मत रहो। तुमको पहले से पता होगा शर्जिल जो है वो नारकोटिक वालों के साथ घूमता है, उसका बहुत लफड़ा है।
बाद में कुछ होगा तो अपने को आप इनको जरा संभालो ना। ठीक है चल। सर्जिल नार्कोटिक्स वालों के साथ में घूमता है। जिगर भाई ढाबे पे भी इसने ही फंसवाया है अपने को। सही कह रहा है। रामी है साले। दिखाता हूं इन्हें। हेलो हाँ शायद मंत्री जी हैं घर। चल ठीक है उनसे बोलना कल आऊंगा मैं। ठीक है चल कुछ करना ही पड़ेगा यार भाई। खान साहब को कौन मार रहा है? शहजाद भाई वो ढाबे वाले सर्जल भाई को मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? बैठो बैठो अभी मैं मार रहे हैं। नहीं सर्जल भाई भाग गए अंदर। इंस्पेक्टर से नहीं मिलोगे तुम? कल मिल रहा हूँ मैं उससे। ठीक है तुम जाओ। मिंटू तुझे शंकर चाचा कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। हाँ राजेश गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ ये अपना ही आदमी है इनका वो काम निपटा देना। हाँ ठीक है चलो रखो फोन। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार आओ बैठो। आओ जिगर भाई बैठो। और आजकल दिख नहीं रहे कहाँ हो? ये जिगर भाई हैं इन्हीं के साथ हूँ इन्हीं का काम देखता हूँ। अच्छा अच्छा पहले कभी देखा नहीं इन्हें? दिल्ली रहते थे अभी एक दो सालों से आए हुए हैं यहाँ। वो ढाबा नहीं है पहलवान वाला हाईवे पे। अच्छा अच्छा वो काठ वालों का? जी 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 हाँ अच्छा, अच्छा। उन्हीं के बेटे हैं ये। बड़े मौके की जमीन है वो तो। वो नहीं है शर्जील वो अतीक का बेटा है ना उसने बहुत परेशान किया हुआ है गुरुजी। लड़कियां वड़कियां सब मंगाता रहता है इसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है गुरुजी। देख लेंगे उसको करवा देंगे वो काम भी। मैं सोच रहा था दिल्ली में जो रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े वो चेन खोल लें जगह जगह पर अपनी। मैं चाह रहा था कि हमारा अगर फैसला करा दें तो किसी एक रेस्टोरेंट की चेन हम भी ले लें और आप उसके अंदर हमारे पार्टनर बन जाइए। नहीं पैसा तो बहुत है जी बहुत पैसा है। मनोरंजन करवाओ जरा। जी गुरुजी बात करके आता हूँ। बहुत चर्बी है इसमें? नहीं गुरुजी परेशान है अच्छा आदमी है। क्या हुआ प्रोग्राम का? कब है तारीख? अच्छा अच्छा ठीक। मना कराया ना उसको अब ये छुट्टी आपका काम वापस नहीं करेंगे। मना कर दिया ना उसको। देखो जिगर भाई एक बार मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो यार। एक बार उस एमएलए को तो अंदर ले लेने दो यार फिर उस शर्जील को तो ठोंक दूंगा मैं। वैसे भी अवनी को कौन सी किसी के सामने अग्नि परीक्षा देनी है यार। और मुआवजा दिला तो रहे हैं उसे हम उस बच्चे की भी जिंदगी बन जाएगी। देखो जिगर भाई तुम्हारा बहुत एहसान है यार मुझ पर बस आज रात को थोड़ा सा नाटक कर लेना यार और ऐसी गंदी गंदी सूरतें मत बनाओ यार। चलो
कल रात को काम नहीं था? नहीं। आज रात को है? चल मिंटू पकड़ मुझे, ये पकड़, या पकड़ मिंटू। ओ पकड़ लिया मिंटू ने। मिंटू आज चॉकलेट खाएगा? जा अंदर जा, लेके आ जल्दी से। भाभी मैं जानता हूँ जो भी कुछ आपके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, एहसास है हमें, बस आज रात, इसके बाद इस दलदल से निकालने की गारंटी मैं लेता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? बढ़िया जी तेरे बेटा। सर खाना वाना? अरे नहीं नहीं खाना वाना रहने दो, गांव में दौरा चलता रहता है ना, मीठा मीठा खाते रहते हैं, गंदा खाना गंदा पानी गांव का, उससे पेट गड़बड़ है। वो खांसा वाली सेटलमेंट करवाना है इनकी, ख्याल रखना इनका, मैं आगे तक करवाऊंगा, चिंता ना करें आप जी। आपके फादर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सब काम निपट जाएगा। आप वो देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है चलिए। बड़ी खूबसूरत हैं आप तो, बच्चा नहीं साले तू, साले ज्ञान छोड़ दे, तू समझता क्या मुझ पे उल्टी करवाता है, साले मेरी बेटी ज्ञान छोड़ियो, तेरी जमीन तेरा ये सब ज्ञान छोड़ियो मेरा, और ये ज्ञान छोड़ियो आप, अरे चल जाए चुप कर, अरे मुझ पे उल्टी करवाता है। अबे गुरुजी का, अबे तूने गुरुजी का प्यार देखा है? अबे गुस्सा नहीं देखा कुत्ते, अरे चुप कर, बच्चा नहीं साले तू, बचने वाला नहीं। गंदी चकल बेटा, विक्की गंदी चकल। जिगर भाई सब कुछ उस शंकर की वजह से तो नहीं हो रहा है? कौन शंकर? वो ड्राइवर, लाला का दोस्त है ना, जिसके साथ अपनी भाभी और मिंटू दिल्ली गए थे। आप दिल्ली गए थे ना? उस रात को आया था वो, लाला ने उसे भेजा था अपनी भाभी के पास। झोपड़े में? ये बात आप लाला को मत बोलना कि मैंने बताई है।
मिंटू चाचा ले जा, नीचे ही रहिए। अब बस और नहीं होगा मुझसे। एक बार बताया तो होता, सब लोग कितनी मुसीबत में आ गए हैं। शंकर अच्छा आदमी है, कोशिश कर लो, जिगर से मैं बात कर लूँगा। अरे शंकर यार, इतना सब कुछ चल रहा है, तुम तो बता देते। अरे उस रात मैंने सब सुन लिया था यार। अच्छा खैर छोड़ो, कल सुबह ढाबे पे आ जाओ। कल सुबह शंकर आ रहा ढाबे पे, जिगर से साफ साफ बात कर लेंगे। अभी ढाबे पे चलते हैं। जिगर को ये लगने लगा था कि ढाबे वाले उसका साथ देते देते थकने लगे हैं। उसने इस लड़ाई को अकेले लड़ने का मन बना लिया था। शहजाद भाई, मेरी मीटिंग हुई उस पुलिस ऑफिसर से, उसने मुझे बताया कि एमएलए का ढाबे वालों के साथ झगड़ा हो गया है, और सर्जिल भाई का तो पहले से ही उन ढाबे वालों के साथ झगड़ा चल रहा है। तो वो मुझसे कह रहा था कि कैसे भी करके एक बार उसे ढाबे पर भेज दो, बाकी सब वो संभाल लेगा, और पैसे की बात हो गई मेरी उससे। ठीक है, तुम जाओ। जी। अवनी, तुम्हारे घर के कागज। लाला ने मुझे बताया शंकर के बारे में, तुम्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। सब लोगों ने बताया शंकर एक अच्छा आदमी है, मिंटू से बहुत प्यार करता है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। भरोसा तो मैंने अपने माँ बाप पर भी किया था, जिन्होंने मेरी शादी मेरी उम्र के दुगने आदमी से करा दी। भरोसा तो मैंने अपने पति पर भी किया था, जिसने मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। भरोसा तो मुझ पे भी किया था ना, मैंने क्या बना दिया तुम्हें? मेरे अपनों ने जब मुझे हर तरीके से जलील करना अपना हक समझा, तुम लोग कम से कम शर्मिंदा तो हो। यहाँ आकर मिंटू को थोड़ा सा प्यार तो मिला। समझ लो तुम्हारी लड़ाई बस अब यहीं तक थी। और तुम्हारी लड़ाई का क्या? पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें शिकार बनाकर मैं ये लड़ाई जीत भी गया ना, तो सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाऊंगा। Thank you.
अरे जिगर फोन नहीं उठा रहा यार। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। शर्जल शायद अंदर है। तो बैठो। इधर बैठो, बात करनी है। बैठो। ये सब क्या चल रहा है? बहुत पीने लगे हो आजकल। शर्जल तुम मेरे खून हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। लेकिन तुम जो ये ढाबे में जाके करते हो ना, पता है उसका नतीजा क्या हुआ है? वो लड़की जिसके साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, वो उन ढाबे वालों के साथ मिल गई है और वो कल कोर्ट में जाके तुम्हारे अगेंस्ट रेप का केस फाइल कर रही है। मैंने रेप में किया है, देखा देता हूं उन्हें मैं। पैसे देते हो, मुझे पता है किस किस को पैसे दिए तुमने, लेकिन पता है ये साबित करते करते 10 साल गुजर जाएंगे जेल की दीवारों के पीछे, मर जाएगा वो बुड्ढा बाप और मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म। देखो तुम अगर इस बारे में कुछ कर सकते हो तो अभी करो, जाओ कुछ करो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझसे कहो, मैं कुछ करता हूं। शर्जल हेमंत चल गाड़ी निकाल। हेलो जिगर भाई। हाँ शर्जल, अभी अभी बहुत गुस्से में यहाँ से निकला है, ढाबे की तरफ, बहुत गुस्से में है। उसने दारू भी पी है, वो कुछ भी कर सकता है, अब संभालो जरा। हाँ अब क्या होगा? शर्जल को शांति मिल जाएगी और हमें ढाबे वाली जमीन। सरजिल, अरे सरजिल, सरजिल, सरजिल रुक तो, रुक रुक सरजिल, बात तो सुन सरजिल, अरे सरजिल सुन तो सही, अंदर कराओ मुझे, सरजिल सरजिल मान तो सही, विक्की, विक्की मार आप, रुक साले आज मरेगा, अबे हट, रुक सरजिल, पकड़ दो साले को, फोन ना नहीं से, पकड़ साले को इसको, विक्की
जला के मार डाला सालों ने और सबके सब फरार हो गए। मिलते ही इनकाउंटर कर दूंगा एक एक का। कौन है बेतू? तू था वहां पर? ए था 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 वहां पर, बता साले मिंटू ये था वहां पर ना। साहब से पूछो ना मिंटू को ले जाऊं। साहब जाने दो ना इसे। नाम पता लिखवा दो इसका और उसे बोलना हर हफ्ते हाजिरी देके जाए। सुन बच्चे का ख्याल रखना। जी शहजाद ने इंस्पेक्टर शैलेंद्र और एमएलए के साथ मिलकर जिगर पे दबाव डाला कि वो ढाबे की जमीन से कब्जा छोड़ दे और उसने अवनी के कत्ल के इल्जाम में शर्जिल को अंदर करवा दिया। Congrats, they like the story. Really? Yeah. Thank you so much. That's okay. अभी भी उदास हो? Come on, cheer up. उन्हें तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आई। वो मेरी स्टोरी नहीं है। जो भी है, पर अब सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं। Oh God, तुम इतने नेगेटिव क्यों हो? तुम कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो। You know what? जूबी क्या बोल रहा था? कि तुम ही जिगर हो। I mean, he's such a fool, ना? अरे बाबा आप इतने अच्छे से नरेट करते हो स्टोरी तो किसी को भी लगेगा कि तुम ही जिगर हो। अच्छा सुनो अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम अपने शैक का लोन भी पे कर सकते हैं ना। सो लेट्स गेट मैरिड, शादी कर लेते हैं ना प्लीज। निधि मैं थक चुका हूँ तुमसे झूठ बोल बोल कर। तुम्हारा दोस्त जूबी सही है, मैं ही जिगर हूँ। बार बार तुम्हें यह कहानी इसलिए सुनाता था कि शायद मैं जिगर को जस्टिफाई कर सकूँ और उसके बाद बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिना किसी गिल्ट और डर के साथ जी सकूँ। लेकिन तुम्हारा गुस्सा जिगर के लिए वैसे का वैसा ही है। कहानी को बेचकर जो पैसे मिले हैं उसमें तुम्हारे शेख का लोन उतार दिया है। कुछ पैसा शंकर को भेज रहा हूँ मिंटू की पढ़ाई के लिए। विक्की और लाला को भी पैसे भेज दिए हैं ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। मेरी उदासी की बहुत सारी वजहें हैं, उनमें से एक वजह वो ढाबा भी है जिसकी वजह से न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। मेरे पिताजी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो ढाबा ही था। जब तक उन्हें वो ढाबा नहीं मिलेगा वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। हो सके तो मुझे माफ कर दे। दरिया में मैं ढाबे में वापस जा रहा हूँ। उम्मीदों के सहारे नहीं मिले आंसुओं को अब कोई किनारे। क्यों डूबे दरिया में उम्मीदों के सहारे नहीं मिले आंसुओं को अब कोई किनारे। कैसे भले थे हम नींदों में चले थे हम कागज के पंख लगा के हवा में उड़े थे हम। मौला मेरे मौला
मौला मेरे मौला, कैसी तेरी रजा, लगता है तू खफा, तेरे सिवा कोई ना मेरा खुदा।